आई एम सॉरी इंडियन आर्मी, आई एम रियली रियली सॉरी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज अचानक मुझे क्या हुआ, मैं माफ़ी क्यों मांग रहा हूँ इंडियन आर्मी से। तो बेसिकली हम सब लोगों को पता है कि जो भी गलवान वैली में हुआ, चाइना के आर्मी ने इंडियन आर्मी पर अटैक किया रात में, धोखा किया, जो भी किया वो बहुत ही दुखद था। काफ़ी हमारे जवान ऑफिसर शहीद हुए। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सच में मुझे इंडियन आर्मी से माफ़ी मांगनी चाहिए, जस्ट बिकॉज चाइना जो इतना स्ट्रांग हुआ है, वो मुझे लगता है जो हम चाइना मेड आइटम, जो भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट होते हैं वो परचेज करते हैं, और कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, उस पैसे को वो यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मैंने भी किया। और इवन जब मैं डिटेल स्टडी की तो मुझे पता लगा कि कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट किया है मैंने, तो क्योंकि बेसिकली जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ तो कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप जिसमें वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ, तो ऑलमोस्ट वो कहीं का भी हो लेकिन मैन्युफैक्चर हो रहा है चाइना में, असेंबल हो रहा है चाइना में, तो बहुत ही मुझे सरप्राइजिंग भी था मेरे लिए, और सच में मेरी आंखें खुल गई। तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब आप देखिए, ये मेरा मोबाइल है, नंबर वन मोबाइल है इन वर्ल्ड, मेड इन चाइना। लैपटॉप अगेन मेड इन चाइना। ये गोप्रो कैमरा है, वैसे तो यूएस की कंपनी है बट ये भी मेड इन चाइना, ये भी नंबर वन स्पोर्ट्स कैमरा बनाते हैं। देखिए ये ड्रोन है मेरा, ये भी मेड इन चाइना है। DJI का है, ये गिम्बल है, ये भी मेड इन चाइना ही है DJI का। ये एयरपोर्ट्स हैं, ये भी ऑब्वियसली एप्पल के और मेड इन चाइना है, ये पीछे लिखा भी है। तो और इवन ये वॉच, ये भी मेड इन चाइना है, जबकि ये सब ऑलमोस्ट लीडर हैं अपने अपने ड्रोन। DJI जो है सबसे बड़े ड्रोन बनाता है, सबसे ज़्यादा ड्रोन बनाता है। एप्पल आपको पता ही है, चाहे उनके लैपटॉप हों, दे आर नंबर वन, मोबाइल नंबर वन, वॉच नंबर वन। तो ये कैमरे की बात की मैंने, GoPro तो है ही स्पोर्ट्स कैमरा में नंबर वन। तो मैं वही सोच रहा था कि US इतनी बड़ी कंट्री है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, फिर भी हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट क्यों हैं, हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं वहाँ जाना, चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करना, मेड इन चाइना ही क्यों होता है सब कुछ। तो बेसिकली क्योंकि कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है, और हर किसी को ऑब्वियसली, मुझे भी सस्ती चीज़ लेना पसंद है कंपेटिवली, अगर मार्केट में कोई सस्ती चीज़ मिल रही है, अच्छी चीज़ मिल रही है तो मैं लेना पसंद करूँगा। और सारा खेल जो है, एक तो बल्क मैन्युफैक्चरिंग का है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड चाइना से प्रोडक्ट जाते हैं, तो बल्क मैन्युफैक्चरिंग कोई भी करेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा। और सेकेंडली लेबर लॉस कुछ है नहीं चाइना में, लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर ऊपर से दिखता हमें कुछ भी नहीं पता, और आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी, कोई बहुत ही कम ह्यूमैनिटी वाली बात आती है वहाँ की गवर्नमेंट को, आर्मी को जो मनाता है वो करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है, और कई चीज़ें होती हैं, आपको जगह चाहिए फैक्ट्री इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, तो जगह का तो क्या है, चाइना माहिर है कब जाने में, ठीक है, मंगोलिया को कब जाया, तिब्बत को कब जाया, ठीक है, कोशिश तो इंडिया को भी करने की थी लेकिन वो हुआ नहीं। चलिए वो तो चलता रहेगा, सारी चीज़ें वो इंडियन आर्मी सब देख ही रही है। तो बेसिकली जब मैंने ये सब देखा कि ये सारे इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास में जो कि मेड इन चाइना है, तो मुझे लगा यार मेरे को बंद करना चाहिए। कहीं मैंने वीडियो वगैरह भी देखे टीवी पे, लोग अपनी LED TV तोड़ रहे हैं, या और कोई चाइना मेड आइटम है उनको छोड़ रहे हैं, जो चाइनीज़ आइटम बेच रहे हैं शॉप उन पे हंगामा कर रहे हैं। तो मुझे वही लगा कि मुझे भी एक बार को लगा था कि यार ये जो चीज़ें हैं इनको मैं यूज़ करना कम कर देता हूँ या ऐसा कुछ करता हूँ। सडनली मैंने सोचा कि यार अब तो ये चीज़ आ गई ना,
अब तो जो होना था, जो पैसा देना था मेरे को, मैंने दे दिया। तो अब अगर मैं इसको तोड़ता हूँ या और लोग भी जो तोड़ रहे हैं तो वो अपने नुकसान कर रहे हैं। और हम जो कर सकते हैं, अगर हम सच में जाना चाहते हैं, तो अब आज से मैंने भी ये सोचा है कि आज से मैं भी कोशिश करूँगा कि ना लेने पड़े मुझे, एटलीस्ट चाइनीज़ कंपनी के तो ना लेने पड़े। मेड इन चाइना हो, कहीं और का ब्रांड हो, एक बार को सोचूंगा, बट जो चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है उनको तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने जो भी रिसर्च किया उसमें मैंने ये देखा कि जितना भी मतलब चाइना की कंपनी है तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, उनका डाटा उनके पास में रहता है, और काफ़ी जो उनके फंडिंग वगैरह भी उसमें रहती है, शेयर रहता है। तो मुझे नहीं लगता, और मैं चाहता नहीं हूँ कि चाइनीज़ आर्मी और ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो जो जैसा उन्होंने तिब्बत के साथ या मंगोलिया के साथ किया वैसा कोशिश करें। हालांकि मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा उसको, वो भी जानता है। बिकॉज़ क्या है, चाइना को आज भी मतलब चाइना इसी उसमें रहता है कि 1962 में हुआ। वो ये भूल जाते कि उसके 5 साल बाद ही जो नाथुला में उन्होंने हरकत की थी तो उसका उनको क्या जवाब मिला था, बहुत अच्छे से जानता है वो। और अब तो 50 साल हो गए, तो अब इंडिया काफ़ी बदल चुका है और हमें और ज़्यादा बदलना है। ये भी है, बदल चुका है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें और ज़्यादा बदलना है। उसके लिए जो मुझे लगता है एक ही चीज़ है, और मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था टू बी ऑनेस्ट, बट एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है हमारे कंट्री के, सोनू वांगचुक, तो जो 3 इडियट में भी जिनका वो रोल नाम वगैरह चेंज करके गए, फुनसुक वांगडू थे, तो वो काफ़ी फेमस कैरेक्टर था, तो वैसे जानते हैं, लेकिन असल में उनका नाम सोनू वांगचुक है। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया हुआ है पूरा बॉयकॉट चाइना करके, पूरा 2-3 वीडियो भी अपलोड किए हैं जिसके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं, और कहीं ना कहीं मैं उनको ही क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने सबको एक अवेयर किया कि ये सब चीज़ें आपको बॉयकॉट करनी चाहिए। और मैं भी पूरी अपनी कोशिश करूँगा सब कुछ बॉयकॉट करने की, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। अब जैसे अभी वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा था, तो मैंने सोचा कि उस पर वीडियो बनाऊँ, मैंने कहा चलो छोड़ता हूँ। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें हुई, ठीक है पहले कोरोना आया, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई होगी, हम लोग तो वैसे भी बहुत वाइस हैं, छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। लेकिन फिर अब जो ये हुआ, इंडियन आर्मी पे अटैक हुआ, धोखा हुआ, आप बोल रहे हो कि नहीं हम कुछ नहीं हैं, आप अंदर घुसा रहे हो, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, है ना भाई, 60% तो तुमने वैसे भी कब्जाया हुआ है ना, तुम जो आज हो वो पहले नहीं होता था, उसका 40% ये है तुम कब्जा रहे हो, इधर जा रहे हो। तिब्बत में तुमने सड़क बनाने के बहाने पहले सड़क बने फिर तोपें घुसेड़ दी। तो भाई हमें सोचना है ना, हमें सोचना है इंडिया क्या करता है। इंडिया यही तो कर रहा है भाई, नेपाल के साथ में भी यही कर रहे हो तुम, पाकिस्तान के साथ में भी यही कर रहे हो, तो हम उनको अवेयर करना चाहते हैं, नहीं हो रहे अलग बात है, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो चाहे ना हो, लेकिन भाई इंडिया की तरफ नहीं। और टू बी ऑनेस्ट मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा लोग कर देंगे यार बॉयकॉट, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत यूनिटी है हम लोगों में और हैं भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं और अपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कुछ भी करते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ ये अमेज़न फ्लिपकार्ट पे जैसे सेल वगैरह आती है कोई भी चाइनीज़ मोबाइल की या कुछ है, भाई लॉन्च वाले दिन ही सोल्ड आउट है ना, कोई भी है सोल्ड आउट। वाह, मतलब ऐसा लगता है कि बस भाई इसीलिए टिकटॉक को रातों रात डाउनलोड ही डाउनलोड, डाउनलोड ही डाउनलोड, हर मोबाइल में टिकटॉक है। मुझे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब मत करो, लेकिन जो हो रहा है वो भी तो देखो ना यार। अगर टिकटॉक डिलीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा भाई। अब ठीक है, अब मैं जैसे अभी मैं 2-3 कंपनी पर बात कर रहा था, ठीक है, तो मोस्टली क्या है, एप्पल, गोप्रो और डीजे, 3 चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ठीक है, जो कि वाकई में अगर क्वालिटी वाइज बात करो उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अब जैसे एप्पल हो गया, तो एप्पल ने इंडिया में प्लांट लगाया, तो हम यही चाहते हैं कि एटलीस्ट इंडिया में प्लांट लगे, इंडिया में बने, इंडिया में बिके, बहुत अच्छा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गोप्रो है, नहीं है प्लांट, माइट भी आ जाए, तो हम वेट करते हैं। मैं
मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी अपनी चीज़ें अपग्रेड तभी करूँ जब वो इंडिया में बनने लगी, ठीक है। और फिर रही बात जैसे डीजे है, तो डीजे के ड्रोन नहीं है, मैं मानता हूँ कि ड्रोन अभी दूसरी कंट्री कोई ज़्यादा इतना अच्छा नहीं बना रही जितना चाइना की कंपनी बनाती है, ठीक है। लेकिन अगेन वही रीज़न है कि अगर बल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, अगर हम लोग वी कस्टमर है ना, जब उस चीज़ की डिमांड करेंगे, हम बोलेंगे हर जगह जाके नहीं भाई इंडिया में बनाओ तभी हम लेंगे, इंडिया में बनाओ तभी हम बनाएंगे, तो इंडिया में बनेगा सस्ता बनेगा। हाँ, सस्ता इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि हम बल्क में नहीं लेते। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई गवर्नमेंट को बोलो आप, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे पैक्ट किए होते हैं हमने, तो हम बंद नहीं कर सकते सडन, ठीक है। फिर कई बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी एकदम से बंद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास स्टॉक है, एटलीस्ट वो निकलेगा, जो आ गया है उसको कर लो, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया मिट्टी डालो, बट फ्यूचर में क्या करना है हमें उसका ख्याल रखो। क्योंकि क्या होगा कि ऐसे ही कब्जा होता है, ऐसे ही अगर आप फाइनेंशियली वीक होते जाओगे, आप डिपेंडेंट हो जाओगे किसी के ऊपर, तो वो ऑब्वियसली आपका फ़ायदा उठाएगा, जो कि आज हो रहा है पाकिस्तान नेपाल के साथ में, कि आपको इतना ज़्यादा डुबो देंगे वो कर्जे में, पैसों में, हर चीज़ की डिपेंडेंसी आपके ऊपर आ जाएगी कि आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। और जो लोग ये बोलते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट भी तो नहीं कुछ कर रही है, और इस तरह की बातें करते हैं हर तरह के लोग, लेकिन गवर्नमेंट आप चलाते हो, जो जनता है या जो हम कस्टमर हैं वो कंपनीज को चलाते हैं, जनता जो होती है पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को चलाती है, तो आप जो करोगे वो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने देखा जापान, जब यूएस ने अटैक किया था जापान के ऊपर, तो जापान के लोगों ने डिसाइड किया कि हम यूएस मेड कोई भी आइटम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे वो चीज़, लेकिन यूएस मेड तो नहीं लेंगे, और देखिए आज जापान क्या है। तो हम भी कर सकते हैं, हम लोग तो इतने कैपेबल हैं, हम तो बना रहे हैं चीज़ें। सैमसंग का प्लांट आया ना इंडिया में, सैमसंग के मोबाइल बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया लिख के आ रहा है, बिकॉज उनके पार्ट भी जो हैं वो भी इंडिया में बन रहे हैं। अभी पहले चाइना में बनते थे, लेकिन चाइना से आके यहाँ पर असेंबल होते थे, लेकिन अब तो यही बन रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं है। अभी देखिए आप, जब ये लॉकडाउन हुआ तो सबको लगता था कैसे होगा कैसे होगा, हमने मैनेज किया, जो था उसी में मैनेज किया, अब ठीक ठाक रहा, कोई बात नहीं है। मतलब दिक्कतें आई, आई नो दिक्कतें आई, ठीक है, कोई भी बीमारी जब आती है तो उसके लिए आपको दवाई खानी पड़ती है, और दवाई किसी को भी खाना पसंद नहीं है, कड़वी होती है, तो वही कड़वापन हमें थोड़े दिन तक देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सब सही हो जाएगा। ऐप हम बना सकते हैं यार, हमें पता है ना गूगल का कौन है करता धरता आज के इंडियन है, तो ऐसा नहीं है कि हमें कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, तो सब अच्छा होगा। लेकिन सब अगर अपना एफर्ट देंगे, और मैं सच बता रहा हूँ कि अब अगर बाई चांस कभी जाने अनजाने में भी मैं कभी कोई चाइनीज़ आइटम खरीदता हूँ, तो मुझे हमेशा ये दुख रहेगा, मुझे हमेशा वो तस्वीरें याद आएंगी जो कि जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनके घर वाले जो माहौल था वो तस्वीरें मेरे को याद आएंगी, तो शायद मैं कभी ना खरीदूं। तो मैं हमेशा, चाहे किसी चीज़ के लिए 100-200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े तो दे दो, लेकिन वो इंडियन होनी चाहिए। और आप देखो सस्ते के चक्कर में क्या हो रहा है यार, अब फ्री में मिल गया ना मेड इन चाइना कोरोना हो, अब कोरोना भी तो एक प्रोडक्ट है चाइना का, उसको लेना चाहोगे? कोई नहीं लेना चाहता। तो जैसे कोरोना को कोई नहीं लेना चाहता, वैसे ही इनके प्रोडक्ट भी मत लो, बस मैं यही बोल सकता हूँ आपसे। हाँ, मैंने लिए, मैं मानता हूँ मैंने लिए, थी मेरी मिस्टेक, लेकिन गलती एक बार हो तो वो गलती होती है, बार बार हो तो वो बेवकूफ़ी होती है। तो मैं बस आप लोगों को बस यही बताना चाहता था। नॉर्मली तो और ट्रैवल वीडियो ही बनाता हूँ मैं, बट ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि मतलब मैंने अपना शेयर किया कि मैं कैसे दबा हुआ हूँ चाइनीज़ प्रोडक्ट के उसमें, तो मैं भी निकलूँगा, आप भी निकलिए, वीडियो को शेयर कीजिए,
आज मैं अपना चैनल प्रमोट नहीं करूँगा। और सोनम वांगचुक जो है उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर थोड़ा सा वर्दी लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो भी ना करो आप तो एटलीस्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट कीजिए। जय हिंद।